आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार एसटीईटी के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी सब्जेक्ट से लर्निंग डिजेबिलिटी टॉपिक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके मैं आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे लाल बटन दबाएं और घंटा ज़रूर बजा दें। चलिए शुरुआत करते हैं। लर्निंग डिजेबिलिटी, अधिगम अवशक्तता वाले बालक कैसे होते हैं? ये तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या वाले बालक होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें सीखने की क्षमता का अभाव होता है, उन्हें पढ़ने लिखने सुनने आदि जैसी समस्याएं होती हैं, जैसे वर्तनी में त्रुटियां, अक्षरों को छोड़कर पढ़ना या अक्षरों को स्थान बदल देना, जैसे लड़की को लकड़ी पढ़ना। दूसरा, संख्या को गलत ढंग से लिखना, जैसे 69 को 96 लिख देना, 12 को 21 लिख देना। पढ़ते समय शब्दों और पंक्तियों को छोड़ देना। चलिए, अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी ये बना किससे है? तो ये अधिगम विकृति प्लस संचार विकृति प्लस इनके समन्वय से बना है। तो इसमें होने वाली आने वाली जो त्रुटियां हैं या दिक्कतें हैं तो उससे उत्पन्न बीमारियां क्या क्या हो सकती है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए और याद भी करते रहें, क्योंकि 2 नंबर इस वीडियो से पक्का है। APD, ऑडिटोरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें पीड़ित बालक को ध्वनियों को सुनने में समस्याएं होती हैं। वह शब्दों को ना तो सुन पाता है और ना ही उसमें अंतर कर पाता है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यह संख्या एवं गणित संबंधी विषयों की समस्याएं होती हैं। इसमें संख्याओं को जोड़ने और घटाने में दिक्कतें आती हैं। थर्ड, लिखने की अक्षमता, ये मोस्ट VVI है। अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, इसलिए ध्यान से समझिए। डिसग्राफिया, इसमें सही नहीं लिख पाना, दो शब्दों के बीच में जगह नहीं छोड़ना, वाक्यों में संबंध ना होना आदि द्वारा इसकी पहचान हो सकती है। और इसकी पहचान दूसरी कक्षा आते ही की जा सकती है, जब विद्यार्थी क्लास 2 में होगा। और भी लिखने से संबंधित कौन कौन अक्षमता है, तो एग्राफिया है, एप्रेक्सिया है, डिसप्रेक्सिया है। डायरेक्ट याद कर लें, लिखने से संबंधित अक्षमता डिसग्राफिया, एग्राफिया, एप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया। नेक्स्ट, पढ़ने की अक्षमता, पहला डिसलेक्सिया, इसमें लिखने एवं पढ़ने की समस्या, शब्दों की पहचान ना कर पाना तथा नहीं समझना, शब्दों की पहचान धीरे धीरे करना, शब्दों को विकृत रूप में देखना। और यह जो अक्षमता है, चौथी कक्षा में ही इसकी पहचान हो जाती है और यह 4% बच्चों में समस्या यह पाई जाती है और होती है। और भी एक अक्षमता है पढ़ने से संबंधित, नाम है एलेक्सिया। क्या नाम है? एलेक्सिया। नेक्स्ट LPD, LPD ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें भाषा को समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, LPD, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसमें भाषा को समझने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। नेक्स्ट ADHA, ये प्रश्न का फुल फॉर्म बहुतों बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद कर लें। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHA, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार को नियंत्रित करने में समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट डिस
डिस्प्राक्सिया, इसमें पेशीय कौशल विकृति होती है, यानी मांसपेशियों में नियंत्रण नहीं होने के कारण भाषा, वाणी आदि पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, विजुअल परसेप्चुअल और विजुअल मोटर डेफिसिटी, किसी सूचना को ग्रहण करने की समस्या तथा सूचनाओं को लिखने या बोर्ड से उतारने की समस्या। नेक्स्ट, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, जैसे कि ये सभी मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एफेजिया, सही ढंग से बात ना कर पाना और अपने भाव को व्यक्त ना कर पाना, सही ढंग से बात ना कर पाना और अपने भाव को व्यक्त ना कर पाना, एफेजिया। नेक्स्ट, डिफेजिया, बोले गए बातों को समझने में कठिनाई, और ये भाषा से संबंधित अक्षमता या विकार होता है। फिर से, डिफेजिया, बोले गए बातों को समझने में कठिनाई और भाषा से संबंधित अक्षमता या विकार। अब नेक्स्ट, हकलाना, इसमें 2 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे में ये लक्षण होता है, पहचाना जा सकता है, और 80% बालकों में ही ये है, 16 वर्ष की आयु तक खुद ही इसका निदान ढूंढ लिया जाता है, और 1% बच्चों में यह बीमारी पाया जाता है, इसमें 75% क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। चलिए और भी है, जैसे डिस्प्रेक्सिया, इसमें शारीरिक कौशल संबंधित विकार होते हैं, जिसमें पढ़ना लिखना और बोलने संबंधी विकार होते हैं, इसमें फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल दो संबंधित विकार हैं। जैसे फाइन मोटर स्किल में शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत ही कम होता है, जैसे लिखना या बटनिंग, बटन दबाना, ATC, और ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें शारीरिक मसल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना। इनसोमनिया, नींद ना आना का विकार। सोमनबोलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। डिसमॉर्फिया, आकृति व साइज संबंधी विकार। डेलिरियम, दिमाग का असहज होना। डिस्टोपिया, बुरी काल्पनिक स्थिति। डिस्थीमिया, तनावग्रस्त स्थिति। सोलिलोक, अपने आप से बात करना। एमनेसिया, भूलने की बीमारी। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए अब ऐसे बालकों को कैसे जो है प्रबंधन किया जाए, तो निम्न बालकों के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है, तो विशेष प्रकार के वातावरण उपलब्ध कराए जाएं और ऐसे बालकों को हस्तक्षेप तकनीक अपनाकर सुधारा जा सकता है। अधिकांश अशक्त बालक मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होते हैं, अतः इन्हें सामान्य किंतु विशेष शिक्षण व्यवस्था प्रदान किया जाना चाहिए। कुछ इसमें स्पेशल बालक भी होते हैं, जिसको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, यानी वैसे बालक जिसके IQ 130 से अधिक होगी। किशोरावस्था में प्रतिभाशाली बालकों के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह होता है जिसका IQ 130 से अधिक होता है, और टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालयी उपलब्धियों, खेल की सूचनाओं और रुचियों की एकरूपता में सामान्य बालकों से वह श्रेष्ठ होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और भी अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई विकार बच गया है तो आप उसे कमेंट करके हमें बताएं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और जल्दी से इसको शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स फॉर बिहार STET 2019 एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर।